नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉच डॉट इन। दोस्तों, पूरे देश में अलग अलग जो स्टेट है उन सारे स्टेट में अभी दिल्ली का न्यूनतम वेतन लगभग संतोषजनक है। मैं उसको ज़्यादा कतई नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा सा संतोषजनक है। ऐसे जो सेंट्रल स्फीयर का है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि काम करते हैं, उनका जो न्यूनतम वेतन है दिल्ली सरकार से 1000 समथिंग ज़्यादा है। और आपको बता दें कि ये न्यूनतम वेतन का जो रेट है, खासकर जो दिल्ली में लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, एक लेबर कमिश्नर का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाकर के चेक करते हैं। और आपको याद होगा 14 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक ऑर्डर आया था, और उसके बाद 23 अक्टूबर 2019 को लेबर विभाग ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन के हिसाब से अभी जो दिल्ली का न्यूनतम वेतन है 14,842 रुपये है। अब अप्रैल आएगा तो उसमें आपका DA लगेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है और आपका न्यूनतम वेतन बढ़ जाए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने जो वेबसाइट पे एक कॉलम बना रखा है करंट न्यूनतम वेतन का, मिनिमम वेजेस का, और उसमें अभी भी 14,000 रुपया दिखा रहा है। कई लोगों ने कमेंट्स करके पीछे बताया कि इसी को दिखा करके उनका मालिक उनको गुमराह कर रहा है और ये कह रहा है कि भाई इतना ही है और उनको 14,000 रुपया न्यूनतम वेतन दे रहा है। कई जगह तो खैर ये न्यूनतम वेतन भी अभी नहीं दे रहा है, जैसा कि आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं। खैर, मेरे जो बस में था कि कम से कम इस वेबसाइट को अपडेट कराया जाए, और इसके लिए हमने क्या किया कि एक मेल जो है लेबर विभाग के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, ताकि कोई भी इस पे एक्शन ले ले, लेबर कमिश्नर राजेंद्र धरजी जो कि न्यूनतम वेतन निकालते हैं उनको भी भेजा, गोपाल राय जी को और केजरीवाल जी को भेजा। तो उस मेल में यही लिखा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसके हिसाब से 14,842 रुपया न्यूनतम वेतन है, जबकि आपका जो वेबसाइट है करंट न्यूनतम वेतन ये बता रहा है, जिसकी वजह से वर्कर को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करके मालिक जो है कम न्यूनतम वेतन दे रहा है। तो इसको यथाशीघ्र अपडेट कराया जाए, और अपडेट कराने के साथ ही मैंने उनको लिंक दे दिया जिस लिंक पर ये पहले का यानी कि 2018 का अपडेट किया हुआ है वो पड़ा हुआ है। अब स्वाभाविक सी बात है, एक या दो दिन में होगा नहीं, क्योंकि सरकारी विभाग है और मेल कौन देखता है नहीं देखता है पता नहीं, लेकिन गोपाल राय जी के यहाँ प्रॉपर तरीके से मेल देखा जाता है। उनके यहाँ हो सकता है किसी को बैठाया हुआ हो, उनका PA देखता हो या कोई भी देखता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उनके यहाँ से आज मैंने चेक किया, हमारा मेल जो है सेक्रेटरी लेबर को फॉरवर्ड किया गया है, अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि हो सकता है इसके वजह से किसी एक साथी को भी कम वेतन मिलता हो, तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि भले ही एक साथी का प्रॉब्लम हो या फिर हज़ार साथी का प्रॉब्लम हो, अगर मुझसे सॉल्व होने वाला होगा तो मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगा। तो इसी मकसद से मैं जो भी जानकारी आप तक शेयर करता हूँ और काफ़ी छानबीन करने के बाद शेयर करता हूँ, और कभी कभी कुछ कंप्लेन, जैसे अभी मैंने कंप्लेन किया और उसको सुधार करवाने की मेरी कोशिश है, ताकि अगर एक साथी को भी हमारे कम वेतन उससे मिलता हो तो कम से कम वो दुरुस्त हो जाए और वो अपने मालिक को जाकर के दिखा सके भाई ये 14,000 नहीं है, ये देखो अपडेट करवा लिया 14,842 है। उसके लिए मैंने क्या किया, एक तो मेल किया, मेल करने के बाद दूसरा काम था फ़ोन करने का, और इसके लिए मैंने फ़ोन भी किया कई जगह। फ़ोन करने के बाद गोपाल राय जी का भी एक नंबर था मेरे पास, वहाँ भी फ़ोन किया, घंटी बजा, मोबाइल नंबर है, किसी ने नहीं उठाया। एक राजेंद्र जी का मोबाइल नंबर था, उस पर भी फ़ोन किया, घंटी बजा, किसी ने उठाया और बताया कि जी नहीं, ये रॉन्ग नंबर है, किसी और के नाम से अलॉट है। चलिए कोई नहीं, फिर मैंने उनका ऑफिशियल नंबर है राजेंद्र जी का ट्राई किया। ट्राई करने के बाद हमारी क्या बातचीत थी मैं इसको आपको सुनाऊँगा, और इसीलिए सुनाऊँगा कि किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिनसे भी बात हुई, क्योंकि राजेंद्र जी से बात नहीं हुई, उनके सहायक रहे होंगे, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे मेन मकसद था हमारा काम होना कि वो वेबसाइट पे अपडेट हो जाए। तो आप खुद सुनिए, और ये मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि लोग इससे सीखें। कोशिश करेंगे जल्द ही ये अपडेट हो जाए, और अपडेट हो जाएगा तो मैं अपने कम्युनिटी टैब में ज़रूर आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले हम सुनते हैं कि हमारी क्या बातचीत हुई। नमस्कार सर, राजेंद्र धर जी से बात हो सकती है? कौन बोल रहे? मैं सर सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, एक इशू था सर। कहाँ से? दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। क्या नाम आपका? सुरजीत श्यामल। सुरजीत श्यामल, क्या काम है? आपके वेबसाइट पे जो न्यूनतम वेतन है करंट, उसको सर अपडेट के लिए आपको एक मेल किया है सर। इसमें हमारा वेबसाइट में देखिए गैजेट नोटिफिकेशन होगा जो अपडेट है। नहीं, वेबसाइट पे अपडेट क्यों नहीं कर रहे हैं आप?
वो तो हमारा उसके बाद उसमें ठीक है, उसको आपको मैं कॉन्फर्म संज्ञान में लेता हूँ, वो बात ठीक है आपकी बात। और उसके बाद जो अपडेट हमारा गैजेट नोटिफिकेशन देखिए, तो गैजेट नोटिफिकेशन दिल्ली मिनिमम से गैजेट नोटिफिकेशन वो और अपडेट है, वो हमने देख लिया है। लेकिन इसको मैं करता हूँ सर, आपका अब साउंड स्क्रैकिंग हो रहा है, साउंड डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके ओके, आवाज साउंड आ रहा है सर? हाँ सर आ रहा है, वो आवाज लाइन डिस्टेंस हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर, देखिए बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग वर्कर नहीं हैं, उनके जो मालिक है वो वाला दिखा करके कहते हैं जो अभी तो 14,000 ही है। नहीं नहीं सर, पता सर मालिक को सारी को पता है, वो मालिक को हरामखोरी करते हैं, इसे बताओ सर। ये मालिक को पता है जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसीजन दे रहे, वो नवम्बर अक्टूबर 23 नवम्बर ऐसे कुछ में है, 23 अक्टूबर को। हाँ अक्टूबर को ऑर्डर आ गया था। उसके बाद वो हमारा नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन हो गया, इसमें डाला हुआ है, सब कुछ पता है, वो डाल हरा को नहीं करते। वो बात ठीक है आपकी, लेकिन क्या होता है ना, आपका जो आपने सारे लोग जो है ना वेबसाइट पे देखते हैं जो भाई ये करंट आ गया, वो को मेन चीज नहीं देखते हैं, वो मेन चीज नहीं देखते हैं, उसको इसको हटा लेते हैं, रिप्लेस करते हैं। नहीं नहीं उसको तो अपडेट नहीं है, उसको हटाना, हमारा तो गैजेट नोटिफिकेशन अपडेट है, वो चीज को हटाना है सर। ठीक है सर, आपकी बात कह रहा हूँ, मैंने इसके लिए मेल कर दिया सर, आपको लिंक भी वो दे दिया है, करंट जो है ना करंट मिनिमम वेट का, उसको ठीक करवा दिया। आपका शुभ नाम सर? सर मनोरंजन। अच्छा, आप सर के पिए हैं क्या? हाँ जी सर, उनके स्टाफ है, ये नहीं, वो पीता छुट्टी पे उनके स्टाफ है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, आप इसको करवा दीजिए सर, बहुत मेहरबानी होगा सर। ठीक है सर, ठीक, धन्यवाद।